वेलकम आ रही है। ये काई कू? अरे फुकट गए। ओके। ए कम 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 चल वन 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 चला। ए मारी अपन ही निकल दे। क्या बात? अरे लव नहीं करने की एक्टिंग मत करा। ए हड्डा मत बन रे। प्यार नहीं है तो अपन को ऑटो काई को दिलाया? ए शनि ऑटो की दास्तान सुना रहे इसको। अरे शुरू हो जाना मैन। फंसा दिया तू। ऑटो घुमाए भेजा नहीं इसलिए हम लोग ने चंदा जमा करके ऑटो दिलाया। लेकिन मैं तो इसको नागिन बन के डसेगी। लड़की होगी नागिन का बात करता मैं। ए जा धंधा कर। तो प्यार से बोल आनंदी अब उनके दिल में तू है मैं निकल लेगी। कल्टी मारेगी ना आनंदी। हाय तेरा फिगर देख के अपन को मिर्गी आने लगती है। हाय मारी क्या ब्यूटी है। लव यू बेबे। तू एंट्री काय को मारी? अपन के डाव है मारी। ये फुलझड़ी चाहिए या एटम बम डिसाइड कर। भेजा फटने लगा है। मारी को बारूद पसंद है। दोनों मिलके धमाके करेंगे। चुप ना मारी। मारी अरे जला हुआ फटाका पीछे हटना। इससे टच भी किया ना तो तेरी नाक फोड़ डालेगी। बेबी देख अपन से शादी मना ले समझा ना। तेरे सारे गंदे गंदे कपड़े धोएगी खाना पकाएगी सफाई करेगी तेरी अच्छी लाइफ सेट कर डालेगी। भाव कै को खाता है? अपन को ऐसी मजबूत घर वाली चाहिए क्योंकि अपन के घर पे मजबूत पलंग है और कपड़ा धोना बर्तन मांजना तो काम वाली भी करती है। चल निकल यहाँ से। हेलो अपन भी ऑटो चलाती है और हाँ तेरे दो फोकटियों के माफिक नल्ली नहीं है मैं। अपन को तेरा पैसा नहीं चाहिए। अपन खुद कमा के घर का राशन पानी भर डालेगी। अपुन दिल से तेको लव करती है। अपुन ये हार का गुच्छा तेरे गले में डाल के शादी बनाएगा। तू शादी करेगी अपुन से? नको काई को चालिन दुनिया नहीं मानेगी रे। चुपचाप पहन नहीं मानूं। चुप रे। आज से ये मारी ब्रह्मचारी। रिक्शा का मीटर डाउन करके कल्टी मार ले। अपुन तेरी याद में ना बेवड़ा मारेगी ना टेस सुबह आएगी। अपनी चौखट तेरे वास्ते खुले लिए। ए ड्राइवर ऑटो इधर खड़ा है चल निकल चल। हम दोनों की जोड़ी कैसी है? हाथी और बगले जैसी है मैन। अब और कान मत खा ऑटो ले और निकल। बाद में मिलता हूँ। ए आप उनके गले मत पड़। आप उनका सुरक्षा कवच है तू। चल कल्टी कल्टी कल्टी। यहाँ पे पूरी दुनिया को मारी हिला के रखता है। वहाँ पे एक कवली काली पीली ऑटो वाली मारी को हिला के चली गई। इसका कुछ करना पड़ेगा देवा। धर्म के नाम पे दंगा और औरत से पंगा ये दोनों ही करते हैं नंगा। बी केयरफुल। मिसेज मारी चाय के साथ खा रही है। बाय मेरे चावे। मेरे को चावा बोलती है उसकी इतनी हिम्मत। अरे अगली बार बालों को छुआना बाल बाल नहीं बचेगा मैन। ये बच्चन उसको दे रहा था कि मेरे को? उसको दिया आपको लगा क्या? ये औरत चले छोड़ दे समझा। तेरी तो मारी का वजन कम हो रहा है उस लड़की की वजह से पूरे मार्केट में। तेरी जात का अपुन इतना हार्डकोर है जो वो अपुन की मूंछ पे लटकना चाहती है? वही तो मैं भी सोच रहा था उसको दिखा क्या। अपुन का मारी लोहे की आ रही। वैसा नहीं मारी दिल अच्छा लगा रहेंगे। एक बात बता वंटा है लड़की किसको लाइक करती है? नहीं अरे जिसकी मूंछों को देख के लड़की की जुल्फों में अंगार लग जाए। मारी की इतनी दीवानी थी उसकी माफी ऑटो चलाने लगी बच्चों लोग को घुमाने लगी और तो और शेयरिंग ऑटो की लीडर भी बन गई। लेकिन मारी के सामने आते ही मलाई कुल्फी माफिक पिघल जाती है। क्या लफड़ा है इन लोग का? अब उनका ऑटो पहले खड़ा था समझा ना। कुछ भी बोल रही है। निकल वो येड़ी से दूर रहे भाई। और तो और येड़ी ने स्मगलिंग भी शुरू कर दिया। सच बोल रही है ना साहब? अपन के थोपड़े से लगता है अपन गलत काम करेगी। ठीक है निकल चल। और ये सब सिर्फ मारी को इम्प्रेस करने के लिए। साले साहब गिन ले। वो कितने भी कर ले जतन और मारी के नाक में कर ले दम लेकिन मारी को रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन पसंद है। आज अपन 100 नाकाम हम लोग का केक काट रहा है मजा करने का काजू बादाम वाला केक खाने का। हैप्पी मर्डर डे मारी। बर्थडे नहीं है हमला दिवस है। तू तो क्रिश्चियन है ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनी रिटर्न्स हैप्पी डे ऑफ द अटैक डे यही बोलते हैं। होशियारी से रे यादव तेरे को उड़ाना चाहता है। ए गफूर टेलर के पास जा। फट रही है तो सिलाई मार के आ जा। अपने जिगरी को कोई छूके तो दिखाए उतरच काट डालेंगे। अब तक अपन को कितने डके है? 12,575 और 150 लीटर खून बह गया। पूछो की लाज रख ली अपने शेर ने। मारी हिया पधारेगा हम कल्पना नहीं किया था।
बचवा तुमको ऊपर पहुंचाने के लिए इतने लोग भेजे, लेकिन तुमको डर नहीं लगा? डर तो बहुत लग रहा था। सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। लेकिन तेरे से नहीं तो खुद से। अपना बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया? तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। बिना तकलीफ के हम यहाँ नहीं पहुंचे। ए अपन लोगों का टाइम खोटी मत कर, सलूशन बता। चेन्नई हिंदुस्तान के नारकोटिक्स का राजधानी बन चुका है। केनिया से माल सीधा यहाँ आता था। अपना बिजनेस हमारी सेहत की तरह बिना किसी झंझट के फल फूल रहा था। तभी केनियन गैंग के लोकल लोग डील में हमारा प्रॉफिट कम करके बिजनेस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उनकी बदलती हुई हरकतों की वजह से कस्टम वाले अलर्ट हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को मारना शुरू कर दिया जो पुलिस की नजर में आ गए थे, और हमको धंधे से निकाल दिया। इसीलिए उनका खात्मा जरूरी है, क्योंकि तभी तो इन नशे के धंधे में हमारा पकड़ होगा। मारे बचवा पे हमको भरोसा है। अगर तुम लोग साथ दो तो हम तुम लोगों का जान बख्श देंगे। हाँ, कथा खत्म हो गई, चलें। कहाँ? तनी फैसला तो सुनाते जाओ। देख यादव, मारी और पाउडर का 36 का आंकड़ा है। 37 का होगा तो भी हमको फर्क नहीं ना पड़ता है बचवा, बच नहीं पाओगे। भैया आप सिर्फ होठ हिलाइए, इन्हें सलाद की तरह काट के रख देंगे। हम चाहे तो सबका पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं। कीटनाशक के बारे में सुना है? देख अपन हनीमून पे जा रहे हैं, अगर दिमाग की चर्बी पिघलाई ना तो तेरे को मून पे भेज डालेगा। और अंदर की बात, अपन को तेरे साथ कोई लोचाला पाचा नहीं मांगता। अरे हम तो खुद गुंडा लोगों से डरता हूँ, गैया का पुजारी हूँ भैया। तेरे टकले में भेजा वेजा है कि नहीं? वो तो सुबह पेट अच्छे से साफ हुआ बोल के मूड अच्छा, वरना उल्टा करके तेरे पीठ पे अंडा चोकड़ी खिलता। क्या हुआ? अरे ये गोली कौन तरफ से चल गई, पता ही नहीं चला ससुरा। क्या बे? क्या पेट ले को चंदन में सुलगाऊं क्या? यादव पता था तू बीटेक्स नहीं लगा था, इसलिए तेरे को खुजली होएंगी। आप उन कारतूस पे बीटेक्स मलम लगा के गन में डाल के खुजली वाली जगह पे ठोक डालेगा। केसरे अपना फरमान सुना इसको, अपने को बहुत हल्के में ले रहा है। एक बार स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो गया, अपन ने प्रिंसिपल को पेंसिल घुसा दिया। सिस्टम चेंज होएगा नहीं, जितना इलाका तेरे को दिया उतने में खुश रहे, वरना बचपन में पेंसिल घुसाता था, अभी गुप्ते घुसाएंगे। चल मारे। यूपी बिहार से आके अपन के ऊपर शान पट्टी कर ले। केसरी एक आइडिया आया है, समंदर के बीचों बीच एक टोल नाका बना डालते हैं। बड़े जहाज का 100 रुपया, छोटी छोटी होड़ी का 20-20 रुपया, सोचना दिन में कितना इनकम होएगा। यादव के ऑफर को लात मार के गलती तो नहीं की? क्या? नहीं नहीं, उसका पंटर बन के नहीं, मेन आदमी का पता लगा लेते, फिर वो काले लोग को खुद ही जाके बेच देंगे। क्या बोला? बस क्या बच्ची, अपने को मालूम है पाउडर का धंधा नहीं करने का, तेरी टेर ले रहा था। तू टेर भी नहीं ले रहा था, है ना? देख भंटा, खुद मर्सिडीज में बैठने के लिए दूसरों को पाउडर बेच के अर्थी पे लेटाना अच्छी बात नहीं है, और पैसा हाथ का मैल है, उसको कमाने के लिए ज्यादा हाथ मैला नहीं कर सकते। तुम पे विश्वास करके हमने गलती की, अपने उस बड़े भैया को भी नहीं बनवा पाए। सड़क के डॉगी जितनी तुम्हारी वैल्यू है। देख अपन ने फुल ट्राई मारा, अब इससे ज्यादा क्या उखाड़ेगा। इधर आता है तो अपन की हलक में आ जाती है, किसी ने देख लिया ना तो अपन के 44 हो जाएंगे। सोचा था कोकीन का लालच देगा तो भाई राजी होगा, पर वो मारी का पिल्ला अपन के हर एक पिलान में टांग अड़ाता रहता है। देखा बल्ला, ज्यादा चू चपड़ नहीं है तो ऊपर का रास्ता बताएंगे। ए केनिया का सारा बिजनेस तेरे को अपुन की बदौलत मिला है, थोड़ा लिमिट में समझाना। हमको थोड़ा थोड़ा नहीं कमाना है, एक बार में बिल्डिंग खड़ी करनी है। कैसे करेंगे बता? अच्छा चल तू बता। सिर्फ मारी में बोता है सब करने का। हेलो, एक और मीटिंग फिक्स करवा, फिर से कोशिश करेंगे। उसमें क्या है? हेलो, पता है आदमी टेढ़ा है पर पोस्टर तो सीधा लगा सकता है ना। किधर से फोटोशॉप कराया रे? मेरे से गोरी दिख रही है रे तू। ए शानी कुच्ची, ऐसा लगता है आटे में नहा के आई है। ए किससे परमिशन लेके मारे का फोटो पोस्टर पे लगाया रे? ऐसा है क्या? चल उसका परमिशन लेके आती मैं। ए थम रे, ये जा रही है। शेर के मुंह में हाथ डालेगी ना तो अपने हाथ से हाथ धो बैठेगी, बाद में बोलना नहीं हम लोग ने बोला नहीं, टिकट कट जाएगी। मैं रहे मारे लाए क्या? उसको पटाने का तरीका बता। अरे क्या तू इसको अपना लव गुरु कैसे बना रही है रे?
40 साल का अंकल तेरे को क्या आइडिया देगा? गटर बंद कर। मर्द को औरत की जो अदा लुभाती है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो अदा मेरे अंदर कूट कूट के भरी है। अदा बोला पा, अदा नहीं। टेंशन मत ले रहे तू। लड़की लुभावनी होनी चाहिए, जाल में लज्जा को नहीं मांगती है। ऐसे बात करे तो जैसे लवंग की खुशबू होनी चाहिए। समझी नहीं मैं। ये तो चलता फिरता जूस सेंटर है। दादा बोलेगा तो तेरा रस निकाल दूंगा। कंटिन्यू। मुंह से अत्तर की खुशबू आनी चाहिए। नहीं समझी। एयर फ्रेशनर जेब में रख के बात करना। मारी जब भी मैं रात को सोती हूँ ना तो 12 फीट की सीढ़ी लगा के मेरे दिल में कड़कड़कड़कड़ उतरता है। जानता है काहे को? काहे को? क्योंकि जब से तू मेरे दिल की ऑटो का पैसेंजर बना है उसका इंजन ऑटो स्टार्ट होके भकभक झटका मार के बंद होता है। ये सब मैं नहीं कर पाई। अरे ये चिंपांजी पर सूट नहीं करता, तेरे पे करेगा। एक्सपीरियंस है मेरे को। घोड़ी नहीं चढ़ा तो क्या हुआ? कई दूल्हे देखे? मारिया क्या? ये फोटो विदाउट परमिशन कैसे लगाया? मारी भाई ने आज तक फेसबुक पे फोटो नहीं डाला, तुम लोग ने इधर डाल दिया। हाँ वो भी डालने का था तो अच्छा डालने का था। पीछे आ जा ब्रो वरना पहली तेरे को ही पड़ेगी। ये मेरे को पोस्टर पे कौन टांग दिया रे? ए तू इधर आ रे। यूपी बिहार हिल जाना चाहिए। अरे एक नंबर टीचर है ये, क्या कर रही है? देख इसकी कमर लचक गई क्या? दूसरी बाजू भी देख, मारी अभी फैट हो जाएगा। तू जिस तरह से ऑटो चलाती है ना आप उनको मालूम था एक दिन तू अपनी टांग तोड़वाएगी। एक मिनट रुकना, याद करने दे। क्या? हाँ। अरे ये क्या बोलिंग करने वाली है? तेरे को देख के दिल का ऑटो स्टार्ट हो जाता है और पटापट पटपट रिक्शा की तरह दौड़ता है। अगर तूने हाँ बोल दिया ना तो अपन तेरे को दिल में बिठाकर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सैर कराएगी और भाड़ा भी नहीं लेगी। मैंने इसको क्या बोला था और ये क्या बोल रहे ली रे बाबा? क्या रे चावे, प्यार हो गया क्या? बाबा तेरा आइडिया हिट है। आज इसको मेरे से लव हो गया। गाँव का टिकट निकाल ले। धुलाई पक्की है भाई। मेरे को बाल्टी में उतारने का आइडिया देते हो? मत करना यार। अरे मेरी तरफ से दो बार और कूट इसको। दो नहीं, चार। अभी गलती नहीं है। तेरे को नहीं फोड़ सकता इसलिए इनको फोड़ रहा हूँ। 1.25 घंटे का टाइम है तेरे पास। एरिया में से पूरे पोस्टर निकाल डाल। मेरे दोस्तों, मतलब तू रेडी ऑटो स्टैंड की ओपनिंग नहीं करेगा? हाँ ओपनिंग कर दे और हमारी क्लोजिंग कर दे। प्यार से बोलेगा तो करेगा। लगता है तुम लोग को रिपीट टेलीकास्ट बहुत पसंद है।